करीब एक साल से पिता की जमीन को अपने नाम करवाने के लिए युवती द्वारा तहसील के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद युवती की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामला तहसील क्षेत्र मऊरानीपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरपुर थाना सकरार का है। यहां रहने वाली मनीषा पुत्री द्वारका ने बताया कि उसके पिता 22 वर्ष पूर्व घर से लापता हो गए थे, जो कि आज तक वापस नहीं आए हैं। साथ ही घर के लोगों द्वारा उसकी परवरिश व लालन पालन किया गया है। प्रार्थना पत्र देते हुए युवती ने बताया कि उसके पिता की जमीन, जिसकी अब वह बारिश है, गांव के कुछ लोग उस पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। साथ ही इस संबंध में कई बार तहसील प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज एक बार फिर युवती के द्वारा उपजिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने, साथ ही पिता की जमीन उसके नाम करवाने की मांग की है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ बाल मुकुंद साहू की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मनीषा। अच्छा, कहाँ से हो? मगरपुर। अच्छा, किस समस्या को लेकर आप तहसील आई हो? अपनी भूमिगत समस्या को लेकर तहसीलदार साहब के पास। अच्छा, भूमिगत क्या हो गया आपकी भूमिगत समस्या? हमारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। किसके माध्यम से किया जा रहा है? एक कुमार व्यक्ति, एक कमल घासी, उसके माध्यम से किया जा रहा है। वो निर्माण कर रहा है मकान। अच्छा, आपने पुलिस से शिकायत और तहसील प्रशासन से शिकायत की थी? हाँ, की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कितने दिन से आप भटक रहे हैं तहसील में? एक बार से ऊपर हो जा रहा है। एक बार से हो गया। अच्छा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई?